Hello guys, welcome to the channel. Today we're going to talk about everything you need when applying for studying abroad. And watch this video till the end because मैं आपको हर एक document के tips and tricks दूंगा. So let's get started. Number one, passport. तो जब भी आप कहीं internationally apply करेंगे तो आपका और कोई identification card काम नहीं करेगा. आपको सिर्फ अपना passport ही चाहिए. बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पासपोर्ट में आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की पास में तो नहीं है, क्योंकि आपको 1 or 2 months तो सिर्फ उसको रिन्यू कराने में लगेंगे एंड देन उसके बाद आपको अप्लाई भी करना होगा. तो आप अगर आपका एक्सपायरी डेट 4 to 5 months है तब भी उसे अभी ही रिन्यू करा लीजिए, बिकॉज पहले तो आपको 3 to 4 months अप्लाई करने में लगेंगे, फिर उसके बाद आपको 2 to 3 months उसका रिजल्ट के आने के लिए वेट करना पड़ेगा एंड देन आपको वीज़ा एप्लीकेशन करनी पड़ेगी फाइल. एंड उस 7 to 8 months के पीरियड में आपको अपना पासपोर्ट वैलिड चाहिए. कहीं पर भी अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो आपको आपको सारा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा, तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो ध्यान रखिएगा. सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी मार्कशीट्स. आपको 3 type की मार्कशीट सबमिट करनी होती है, आपके सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, आपके हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एंड आपके कॉलेज के मार्कशीट्स. तो आपको 10th and 12th की अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करनी है, बट कॉलेज में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं. आप अपनी एक PDF फाइल जो आपका ऑनलाइन रिजल्ट आया है वो उसको भी प्रॉपर वे में एडिट करके सबमिट कर सकते हैं एंड आपकी प्रॉपर मार्कशीट्स आप सबमिट कर सकते हैं एंड जो आपकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं. आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्या अवेलेबल है एंड उसके हिसाब से आपको अपनी ये तीनों मार्कशीट्स सबमिट करनी होगी, बट 10th and 12th की आपको ऑफिशियल ही सबमिट करनी पड़ेगी. तो जो आपकी कॉलेज की मार्कशीट्स है वहाँ पर आपके पास 4 conditions हो सकती है. फर्स्ट कि आपकी बैचलर्स खत्म हो गई हो, सेकेंड आपकी बैचलर्स खत्म नहीं हुई है, थर्ड कि आपके पास सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट्स हैं एंड फोर्थ आपके पास सिर्फ आपकी मार्कशीट्स हैं, आपके पास ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है. तो इन चारों के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहां पर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती है तो आपको किस तरह अपलोड करना है एंड किस तरह उस प्रॉपर डॉक्यूमेंट को एडिट करना है अपलोड से पहले, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो. सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. इसको हम SOP भी बोलते हैं एंड इसको हम मोस्टली कहीं जगह पे आपको लेटर ऑफ इंटेंट या स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के नाम से भी होगा, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, वहां पर सेम ही है, हर जगह स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ही आपको अपलोड करना है आपका. सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए. ये आपकी एप्लीकेशन को मेक या ब्रेक भी कर सकता है. अगर आपके पास बाकी चीजें आपकी वीक है थोड़ी आपकी एप्लीकेशन में, अगर आप इसको स्ट्रांगली राइट करते हैं एंड आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वाई यू आर कैपेबल ऑफ दिस डिग्री एंड वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन देयर, तो आपको एक हायर यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है जो कि आप हो सकता है आप सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के बेसिस पे डिजर्व ना करते हो. तो आप इसमें काफी मेजर क्वेश्चंस को आंसर करते हो, जैसे वाई डू यू वॉन्ट टू बी इन द प्रोग्राम, आप क्यों डिजर्व करते हैं इस प्रोग्राम में होने के लिए, आपने अकेडमिक प्रोफेशनल में कैसी क्वालिफिकेशन पाई है जिसलिए आप डिजर्व करते हो मास्टर प्रोग्राम में, इस मास्टर प्रोग्राम से आपको क्या चाहिए, आप क्या अचीव करना चाहते हैं मास्टर प्रोग्राम के थ्रू एंड देन आपके पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस हैं, आपने अलग से कॉम्पिटिशन क्या करे हैं या आपको अचीवमेंट्स आपके पास ऑलमोस्ट क्या है ताकि आप इस प्रोग्राम में जा सकें. वो आपसे सब कुछ आपको SOP के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है. आप अराउंड 1000 words to 1200 words का एक SOP प्रिपेयर करते हैं. तो ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. आपको यहाँ पर सब कुछ प्रॉपरली एंड एक अच्छे से फॉर्मेट में लिखना होता है. हाई लेवल इंग्लिश नहीं चाहिए आपको, बट प्रॉपरली एक्सप्लेन कराओ और टू मच वर्ड ही ना हो, मतलब बहुत सारे वर्ड्स ना हो, प्रॉपर लैंग्वेज में हो. सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, LORs. सो दिस इज गिवन बाय योर मेंटर्स एक्सप्लेनिंग हाउ यू परफॉर्म्ड व्हाइल यू वर वर्किंग और स्टडिंग विद देम. सो इसके अंदर वो आपकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलते हैं एंड आपको लास्ट के पैराग्राफ में मेंशन करते हैं कि व्हाई यू डिजर्व टू बी इन द यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू. सो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको दो जगह से मिल सकता है, दैट इज योर अकेडमिक मेंटर्स एंड सेकेंड इज योर प्रोफेशनल मेंटर्स. अकेडमिक में आपके पास सारे आपके टीचर्स एंड जिनसे भी आपने आपके सब्जेक््ट के बारे में पढ़ा होगा एंड सेकेंड आपके HODs, थर्ड आपके रिसर्च मेंटर्स जहां पर आपने जिसके अंदर आपने रिसर्च करी होगी एंड जो अगर नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रोफेशनल मेंटर्स, तो वो आपके सारे जॉब्स वाले हो सकते हैं एंड आपके इंटर्नशिप्स हो सकती है जहां पर आपने इंटर्नशिप्स अपने जॉब्स करी होंगी. सो मोस्टली जगह पे आपको 2 LORs से भी काम चल जाता है, बट मेनी टॉप यूनिवर्सिटी रिक्वायर 3. तो मैं आपको बोलूंगा कि सेफ रहने के लिए आप 3 LORs प्रिपेयर करिए एंड इसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि जैसे कैसे आपको LOR साइन कराना है, कैसे आपको उस पर लेटर हेड अटैच करवाना है एंड प्रॉपर एक फॉर्मेट में प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा आगे तक. सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है GRE.
दैट इज ग्रेजुएट रिकॉर्ड examinations. एंड इसके अंदर आपकी वर्बल और आपकी क्वांट्स का एग्जाम होता है, दैट इज मैथ्स एंड इंग्लिश का एग्जाम होता है, बट काफी हाई लेवल होता है. अगर आप इसे IELTS से कंपेयर करेंगे या आपके किसी इंग्लिश प्रोफेशनल टेस्ट से कंपेयर करेंगे तो इसका लेवल काफी हाई होता है, एंड इसके लिए आपको प्रॉपर प्रिपेयर करना पड़ता है. बहुत सारी कंट्रीज ने इसको वेव ऑफ कर दिया है GRE को, बट जैसे मोस्टली कनाडा ने, बट अगर आप USA में या आयरलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर अभी भी आपको चाहिए. सो बट अगर आप कनाडा में भी अप्लाई कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप GRE दे दीजिए, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो ये प्लस पॉइंट की तरह काम करेगा. एंड अगर टू स्टूडेंट्स के बीच में कॉम्पिटिशन है एंड अगर एक को सेलेक्ट करना है तो जिसके पास भी GRE होगा That will be the one which will be selected. बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू या मैकगिल उनको सेलेक्ट करती है जिनके पास GRE है, बिकॉज अगर आपके पास 324 ऐसा स्कोर है तो आपको एक स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगी उनके मैथ्स प्रोग्राम्स में, उनके कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स में. सो नेक्स्ट है आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन विच कंट्री यू आर अप्लाइंग टू, एंड जिस भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं. जैसे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, TOEFL एंड देन आपके पास है Duolingo एंड देन आपके पास है IELTS. एंड आप जिस भी कंट्री में अप्लाई करेंगे आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा देना चाहते हैं. बाय द वे TOEFL एंड IELTS मोस्टली हर कंट्री में एक्सेप्टेबल है, बट अगर आपकी कंट्री में जहां पर आप एग्जाम देने वाले हैं वहां पर ये दोनों एग्जाम नहीं अवेलेबल तो आप Duolingo भी दे सकते हैं. आई थिंक अब Duolingo की एक्सेप्टेंस भी हर यूनिवर्सिटीज में बढ़ती जा रही है, बट आई वुड प्रेफर कि आप TOEFL या IELTS में से एक दे, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज को इन्हीं में से एक्सेप्टेंस रेट चाहिए होता है. हाउएवर ईच कंट्री हैज देयर ओन प्रेफरेंस, एंड आप चेक कर लीजिए. जैसे USA को मोस्टली प्रेफरेंस TOEFL के लिए मिलती है या कनाडा में मोस्टली प्रेफरेंस IELTS के लिए मिलती है. सिमिलरली जर्मनी में भी आपको IELTS चाहिए, तो आप चेक कर लीजिए कौन सी कंट्री क्या प्रेफर करती है एंड आप वही वाला एग्जाम दीजिए अगर आपकी कंट्री में सारे एग्जाम अवेलेबल है तो. सो नेक्स्ट है आपका करिकुलम वाइटे, दैट इज योर CV. सो आप इसके अंदर अपनी सारी क्वालिफिकेशंस मेंशन करते हैं, जो भी आपकी एकेडमिक, आपकी प्रोफेशनल, आपकी कोई भी डिग्रीज आपने ली हो, आपने कंप्लीट करी हो, एंड उसके बाद आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, आपने किसी कॉम्पिटिशन में, हैकाथॉन्स में आपने कोई रिसर्च करी हो, इस सबको आप अपने CV के अंदर मेंशन करते हैं. एंड आप अपनी स्कूल लाइफ से लेकर अपनी कॉलेज लाइफ तक के लिए सारे आप अपने क्वालिफिकेशन को मेंशन कर सकते हैं. एंड अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका CV कितना बड़ा होगा डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग टू. कहीं यूनिवर्सिटीज वन पेज को ही एक्सेप्ट करती हैं एंड कहीं यूनिवर्सिटीज टू पेज को भी एक्सेप्ट करती हैं. आई थिंक 3 पेज की लिमिट कहीं पर भी नहीं है, 1 या 2 पेज के अंदर आपको अपना CV खत्म करना होता है. एंड अगेन आप जिस भी क्वालिफिकेशन को मेंशन करेंगे अपनी, चाहे वो डिग्री हो, चाहे वो आपकी कॉम्पिटिशन की विन हो या आपका वॉलंटियर वर्क हो, उसका एक पर्टिकुलर सेक्शन बनेगा, उसी के अंदर आप उसको मेंशन कर सकते हैं. ऑफकोर्स इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि हाउ टू राइट अ CV प्रॉपरली एंड हाउ टू मेंशन ईच ऑफ अवर क्वालिफिकेशन इन अ प्रॉपर सेक्शन. सो जो लास्ट चीज है और जो लास्ट डॉक्यूमेंट्स है वो है आपके सर्टिफिकेट्स. ये आपके प्रूफ की तरह काम करेगा, जो भी आपने अपने SOP में मेंशन करा है, जो भी आपने अपने CV के अंदर क्वालिफिकेशंस को मेंशन किया है, उसके लिए सर्टिफिकेट्स आपके प्रूफ की तरह काम करेंगे. और ऑल्सो आप अपने एडिशनल सर्टिफिकेट्स भी ऐड कर सकते हैं जो आपने प्रीवियसली मेंशन नहीं किए थे. तो इसके अंदर आपके सारे सर्टिफिकेट्स आएंगे, आई मीन सारे. सो फ्रॉम हैकाथॉन्स टू कॉलेज कॉम्पिटिशन्स टू इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स टू इंटर स्ट्रीम कॉम्पिटिशन्स, ऑल्सो आपका सारे रिसर्च वर्क के कॉम्पिटिशन्स, रिसर्च वर्क का आपके सर्टिफिकेट्स जहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस का सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको रिसर्च पब्लिशिंग का सर्टिफिकेट मिला होगा, देन आपकी हैकाथॉन्स का जो भी आपको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला होगा या आपने जीता है हैकाथॉन को तो उसका सर्टिफिकेट मिला होगा, देन आपकी इंटर्नशिप्स का, दैट इज आपकी इंटर्नशिप कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको चाहिए होगा, देन आपके डिफरेंट जो आपके पास स्पोर्ट्स आपने विन करी हैं, जैसे मैं खुद वॉलीबॉल में था तो मैंने इंटर कॉलेज वॉलीबॉल विन्स ली थी, तो उसका आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आप लगा सकते हैं. एंड ये सब सर्टिफिकेट्स आपको एक प्लस पॉइंट देंगे ऑन अदर स्टूडेंट्स, बिकॉज जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ आपकी अकेडमिक लाइफ को चेक नहीं करना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि आप एक ओवरऑल ग्रोथ है या नहीं आपकी. आप सिर्फ अकेडमिक में अच्छे नहीं, आप प्रोफेशनल और आपकी सोशल लाइफ में भी काफी अच्छे हैं. सो आपको सारे सर्टिफिकेट चाहिए होंगे. एंड एक लास्ट टिप, जिन्होंने ये वीडियो एंड तक देखी है उनके लिए, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करा लीजिए एंड प्रिंटेड एंड इन PDF फॉर्मेट में स्कैन कर लीजिए. एंड हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है कि आप इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करें. सो जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए एक स्पेशल अलग से अपलोड बटन देंगी कि मेंशन दिस सर्टिफिकेट एंड अपलोड हियर. बट अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज सिर्फ आपको एक ही कॉलम देंगी, तो उनके अंदर आपको एक सिंगल PDF फाइल के अंदर ये सारे सर्टिफिकेट्स को कंटेन करके अपलोड करना होगा. तो आपको सिर्फ एक सर्टिफिकेट्स का कॉलम दिया गया होगा और सामने सिंगल अपलोड बटन होगा, तो आपको सारे अपने जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन्हें उसी PDF के अंदर, एक ही PDF के अंदर अपलोड करने होंगे. एंड एक और टिप,
आपकी पीडीएफ का साइज सिर्फ 4 MB तक अलाउड होता है, तो आप मोस्टली उसे कंप्रेस भी कर सकते हैं, बट मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस मत अपलोड करिएगा। ऑल्सो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ऑलरेडी स्कैन करके अपनी जीमेल आईडी पे या अपने गूगल ड्राइव पे सेव करके रखिए, क्योंकि कभी भी आपको इंस्टेंटली उनका ईमेल आ सकता है कि आपको इस डिफरेंट फॉर्मेट में अपलोड करना है, एंड आई थिंक तब आपको भागना ना पड़े अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए आप चैनल को, और अगर आपको कुछ भी ऐड करना है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो इस प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, तो आप मुझे वहां पर डीएम करिए एंड मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट, आपको एक वर्ड फाइल दे दूंगा किस फॉर्मेट में किस कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए आपके स्टडी अब्रॉड प्लान के लिए। सो आप वहां पर मेरे को डीएम कर सकते हैं। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।